हेलो इकोनोम वेलकम फ्रेंड्स सो गुड न्यूज अच्छी खबर यह है कि आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए थे मेरे पुराने वीडियोस में कि सर आप इंस्टेंट इकोनॉमिक्स लेके आइए तो येस यहां पे है इंस्टेंट इकोनॉमिक्स आज जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड्स में तो इंस्टेंट इकोनॉमिक्स हम पब्लिक डिमांड में वापिस लेके आए हैं और यह है पहला दिन सो डे वन लेट सी आज किस तरह के क्वेश्चन है सो <coughs> so, ये है क्वेश्चन फॉर दिमांड फंक्शन वॉट विल आपके पास क्वेश्चन में क्या रखा है प्राइस इलासिसिटी दे रखी है और यहाँ पे क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें ठीक है तो हमें करना क्या है इलासिसिटी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले इलासिसिटी का फॉर्मुल लिख दीजिए दैट इज माइनस डी क्यू बाय डी पी इन टू पी अपॉन क्यू अब ये है हमारे पास प्राइस फंक्शन इसको इनवर्स मत करना बिकॉज यहां पे Q रेस टू दावर टू है सो so, अब क्या करेंगे डायरेक्टली इसको ऐसा लिखा जैसे कि आप देख सकते हैं और इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q। सो so, जब से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया ये 10 जो है कांस्टेंट है ये जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा जीरो पॉइंट और ये क्यू राइट right? तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से इट इज वन यानी पॉइंट फाइव इंटू टू वन या सिंपल आप क्यू भी लिखेंगे तो भी चलेगा सो so ये आगे आपके सामने यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं एंड इसको ऐसे रख दिया अब हमारे पास क्या है क्यू की वैल्यू दे रखी है दो सो so यहां पे अगर क्यू की वैल्यू डाली तो क्या होगा ये होगा टू प्लस टू दैट इज माइनस फोर ओके अब पी में क्यू की वैल्यू डाल दीजिए बिकॉज अब फॉर्मुले के हिसाब से हमें क्या P चाहिए पी चाहिए क्यू हमने निकाल लिया है दे रखा है क्वेश्चन में डी क्यू बाई डीपी हम कर चुके हैं अब पी की वैल्यू क्या होगी तो उसके लिए क्या करना है सिंपली ये वाले इक्वेशन में क्यू की वैल्यू डाल दीजिए ये हो जाएगा टू माइनस फाइव टू स्क्वेर और जैसे कि आप देख रहे हैं ये फोर हो गया ये हो गया फोर का जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई सो दिस इज अगेन सिक्स माइनस टू फोर सो ये आ गया पी की वैल्यू ये आगे आपके पास डी पी बाय क्यू की वैल्यू जो कि माइनस फोर है और आपके पास क्यू की वैल्यू दे रखी है तो आप सब कुछ उठा के पहले वाले फॉर्मले में डाल दीजिए तो लिस्ट को मैंने एक डाल दिया यहां पे सो अब माइनस क्यू है ये याद रखना और यहां पे एक पॉइंट है डी क्यू बाय डीपी है और जो हमने निकाला है वो है डीपी बाई डी क्यू सो ठीक इसका उल्टा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं तो यहां पे चार निकला तो ये हो जाएगा वन बाय माइनस फोर मल्टीप्लाइन में P का मतलब क्या है P का मतलब 4 है जो हमने यहां पे निकाला और Q का मतलब क्या है क्वेश्चन में दे रखा है सो so, ये माइनस और ये माइनस कट गया 4 4 कट गया सो नेटा यानी कि की वैल्यू कितनी आई 1 1 तो आंसर इज वन तो ऐसे ही क्वेश्चन को करने के लिए तुरंत मतलब दो मिनट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप जुड़िएगा मेरे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं आपकी नजर से निकल ना जाए सो so, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं चाहे